आप ये बनाया था। चूल्हे आपने बनाए हैं? आपके घर में तो गैस भी है लेकिन आप फिर भी चूल्हे पे खाना क्यों बनाते हो? आपको चूल्हे का खाना अच्छा लगता है? तो इसको जलाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, लकड़ी का या फिर उपले वगैरह का? लकड़ी का। तो लकड़ी कहाँ से लाते हो आप? जंगल से। जंगल पास में है, दूर है यहाँ से? दूर है। कब जाते हो आप? जब टाइम मिल जाए तभी चले जाने। पुरानी साड़ी का दुपट्टा का, पुराना दुपट्टा हो या साड़ी हो, कोई भी सूती कपड़ा हो, इसे पतले से फाड़ करके, पतला से फाड़ हाथ से बुनती है। गर्मी में बुनने में कोई परेशानी नहीं होता होगा क्योंकि ऊनी बुनने पर आँख पर जोर पड़ता है, लेकिन ये सूती रहता है तो इसमें कोई परेशानी नहीं होती होगी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लंबा समय भी चलेगा। गैस की रोटी नहीं खाते आप? क्यों? अच्छा, तो आप रोज इसी पे चूल्हे पे रोटी बनाते हो? धूप में? ये लकड़ियाँ कहाँ से लेकर आए हो आप? जंगल से। जंगल कहाँ पास में है आपके? ये रहा जंगल, और दूर से भी जाते हैं। अच्छा, आप ये क्या कर रहे हो बहन? मैंने मांड का पानी निकाल रहे हैं, मांड निकाल रहे हैं चावल में से। क्या करोगे पानी का आप? इस पानी को निकाल कर हम पेड़ों में डालेंगे, जिससे पेड़ों की ग्रोथ बढ़ती है बहन। अच्छा, बहुत ज्यादा। अच्छा, अच्छा, और पेड़ जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। और इसमें हम ये आलू प्याज का पुलाव बनाने जा रही हूँ मैं उबाल के। तो मैंने आलू और प्याज भी काट लिए, तो इसके छिलके भी हम इसी तरीके से यूज करते हैं। तो पेड़ों में डालते हैं तो पेड़ों में खाद भी काम करते हैं, इससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और पेड़ जल्दी बढ़ जाते हैं। देख सकते हो, ठीक है। तो ये गर्म है तो ठंडा होगा तब आप डालोगे ना इसको? हाँ, पेड़ों में ठंडा होगा तब हम डालेंगे। ठीक है, और ये जो आलू प्याज के छिलके ये भी आप उसमें डाल दोगे? हाँ, ये भी उसमें डाल दूंगी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद बहन।